Good evening, guys. Very good evening, sir. How are you doing? I am good, thank you. Great, how's your life? It's glorious. Let's start. By means. By means. पढ़ने का मन है नहीं? I will study. पढ़ाई करोगे कि नहीं? I will study. You will study. I will study. I will study. Study बोलो. I will study. I will study. तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं? Will you teach? Will you teach क्या? Will you teach? I will teach. कल भी पढ़ाया था. Did you teach? कल भी पढ़ाया था. Did you teach yesterday? Did you teach yesterday? Yesterday क्या? Did you teach yesterday? Yes. I taught yesterday. I taught क्या? I taught. I taught क्या? I taught. Got it? Yes, got it. No problem. I don't have it. अच्छा. I don't. No problem. No problem क्या? No problem. No problem. नो प्रॉप. क्या? नो प्रॉप. चलिए, तो आपकी गेम क्लास हुई थी और उसमें जो है दो आपके विनर भी हुए, यानी सीनियर में एक चुना गया, एक फ्रेशर में चुना गया. तो फ्रेशर में जो सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा लिखे, कितने लिखे थे जी? 52. तुमको बोले माँ बता रही है. भावना कितने लिखे? 52. अरे 52, 52. कहा 52? क्या होता है 52? मैंने तुमसे तुम्हारी कास्ट नहीं पूछी है. तो 52 क्यों कहा तुम? चलो आजा, चले तेरा फोर. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है बताओ इनको? जीत करके तुमको प्राइज जीत के कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग गुड? अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड कैसे तो बताओ ना, वो कैसा फील हो रहा है? आई एम फीलिंग वेल. अच्छा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेल. अच्छा, और थोड़ा बहुत हिंदी में कहना कह दो, और कैसा महसूस हो रहा है? अगर इंग्लिश में है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो इंग्लिश में कह सकते हैं. वेरी बैन, वेरी बैन, पर फीलिंग नहीं आती ना वो वाली है. चलिए, ओके, गॉट इट. क्लैप फॉर. हां भाई, दूसरा जो रिटन टेस्ट में जो है बिना रहे सीनियर में, यानी उन्हें गेम क्लास में तो थोड़ा रोना सा आया था, क्योंकि मतलब रोना नहीं कह रहा हूँ, रोना सा मतलब है, मतलब बड़ा अफसोस हुआ था कि हम मतलब अपने आप को अच्छा साबित करने से चूक गए, क्योंकि लास्ट में दो ही रह गए थे, एक यानी क्या नाम, हिमांशु, रिमांशु, रिमांशु, ये हिमांशु, रिमांशु पता नहीं क्या नाम है, चलो रिमांशु. तो रिमांशु और यही रह गए थे अमन, लेकिन अमन का नंबर नहीं आया उस समय, लेकिन रिटर्न में बाजी मार दिया. जाओ तो अमन, क्लैप फॉर हिम. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. तो हाउ आर यू फीलिंग? आई फील वेल. फील वेल. तो आर यू अ फार्मर? यस. नो सर, बट माय फादर फार्मर. फार्मर. योर लुक इज लाइक फार्मर. टुडे इज वेदर कोल्ड. इट्स कोल्ड टुडे. यस, आउटसाइड. इट्स नॉट, इट वाज नॉट कोल्ड यस्टरडे. यस्टरडे आल्सो. सो यू आल्सो वोर लाइक दिस? आई वाइंडेड only 2 hours yesterday. 2 hours. Okay, go to sit. Clap for him again. चलिए तो जी, बढ़ते आगे और हमारी कहानी अभी कहाँ तक पहुंची थी? कैन तक पहुंची है, यानी जो भी काम करने की कैपेसिटी हमारे पास है. आई कैन एक्शन क्या? आई कैन एक्शन. आई कैन एक्शन क्या? आई कैन एक्शन. आई कैन एक्शन. बोलो जी. आई कैन एक्शन. आई कैन एक्शन क्या? आई कैन एक्शन. इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. Can you learn English? I can learn English. Can your friend learn English? My friend can learn English. My friend can learn English. Learn English. Bolo ji. My friend can learn English. My friend can learn English. Learn English. Kya? My friend can learn English. Bolo bhai. My friend can learn English. Kaise kyun lag raha hai? My friend can learn English. My friend can learn English. My friend can learn English. Learn English. Kya? My friend can learn English. लेकिन हमने कहा था कि भी ये जो क्लास है अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है? तो उसका कन्वर्सेशन रह गया था, तो कन्वर्सेशन भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहला एक चीज और सीख लेते हैं. और वो जो सीखने वाले हैं, वो आपको पता होगा, यानी हमारे हिंदुस्तान में एक चीज फ्री मिलती है, क्या है? एडवाइस. एडवाइस क्या है? एडवाइस. यानी
हमारे हिंदुस्तान में एकदम फ्री मिलती है हमारे यहाँ से, और कहीं जाएंगे फॉरेन वगैरह में तो वहां पर जो कंसल्टेंसी है वो पैसे में मिलती है, पैसे देने पड़ते हैं, बट इन इंडिया इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई भी किसी को देते चलते बनता है, अडिट yes, yes, यानी सलाह कोई भी किसी को देता है, चाहे उस काम को खुद करे ना करे पर दूसरे से जरूर करवा कर रहता है, अडिट अडिट yes, आवाज yes, जैसे मानेगा बड़ा भाई है, खुद तो पढ़ा नहीं, छोटे को कहेगा मैं पढ़ ले हम तो रह गए ऐसे, तू तो पढ़ ले कम से कम, मतलब खुद ने पढ़ा है, लेकिन उसे कहा पढ़ ले हम तो रह गए ऐसे, तू बोले भैया साहब, तो यानी हम क्या है, मतलब खुद करे ना करे बट दूसरे को मतलब करवा करके रहेंगे। इसी तरीके से पापा जी है, हाथ में लग रही बीड़ी और सिगरेट और कह रहे हैं कि बेटा ये काम बिल्कुल मत करना, बहुत गंदी चीज है, तुमने देखा नहीं वो कल वीडियो दिखा रहे थे, मर गया एक, उसे कैंसर हो गया था, मतलब खुद पी रहे हैं पर बेटा जो अगर तू ना पियो वो मान जाएगा, वो भी इसका टेस्ट करेगा, बट कोई भी मत करना ऐसे, ठीक है, वो तो जिनको पहले लत लग गई सो लग गई, ठीक है, अब किसी को भी ऐसा नहीं करना है, गाड़ी ट्रक गंदी चीजों का तो टेस्ट लेना भी खतरनाक होता है, गाड़ी ट्रक नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं लेने का, गाड़ी ट्रक नहीं तो सही बात कहूँ तो आप बीमार हो जाओगे अगर टेस्ट लिया तो गलती से भी, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने का, कैडेट यस सर, यस सर, पापा जी करते हो ना करने दो, क्योंकि जब एक बार बुरी लत लग जाती तो छूटने में बड़ा समय लगता है, आप समझा सकते कह सकते पापा जी कोशिश करो ये छूट जाए, बादाम खाओ है काजू खाओ लेकिन धूमपान मत करो, कैडेट यस सर, है यस सर, जो चाहते हो के मतलब एक लंबी उम्र रहे तुम्हारी तो फिर ऐसे काम मत करो, गॉट इट, तो यानी सलाह जो है कोई भी किसी को देते चलते बनता है, और सलाह जो है देना है तो कोई नई बात नहीं है, उसके लिए हम अलग से टाइम वर्ड प्रयोग करते हैं, शुड, क्या शुड, बोलो जी शुड, क्या शुड, गॉट इट, यस गॉट इट, यस गॉट इट, बोलो भाई, यस गॉट इट। अब सलाह क्या है, सामने वाले को देते भाई, और सामने वाले को हिंदी में बोलते तुम्हें आप, इसकी इंग्लिश क्या होती है, यू आई होती है, यू बड़ा क्या होती है, यू क्या, यू है, यू सुना बड़ा होगा, यू है, यू नो साहब ये लव है, यू हु चले, तो सामने वाले को सलाह देना है यू शुड, और मानेगा सलाह देंगे तो काम की सलाह देंगे, काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश मैं तो जो काम सामने वाले को करना चाहिए बोल देंगे यू शुड एक्शन, क्या यू शुड एक्शन, मेरा बोलो भाई यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन, क्या यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन, यानी कोई भी लेट आए तुरंत पकड़े ना उसको, बस टाइम पाना चाहिए, क्या यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, क्या यू शुड कम ऑन टाइम, भाई टाइम पाना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम, बोलो मैच में कोई भी हिंदा मतलब हिंदी बोलता मिल जाए, हिंदा नहीं कोई भी हिंदी बोलता मिल जाए तुरंत पकड़ लेना, अब इंग्लिश बोलनी चाहिए, का यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, बोलो यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, बोलो जी स्पीक इंग्लिश, के अलावा मान लेगा कोई तुम्हारा साथी है अब वो डेली नहीं आता है, अब तुमको पता है उसे कहो अब डेली आना चाहिए, का यू शुड कम डेली, शुड कम डेली, क्या यू शुड कम डेली, यू शुड कम डेली, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, क्या यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, बोलो यू शुड लर्न इंग्लिश, मैं कंप्यूटर सीखना चाहिए, यू शुड लर्न कंप्यूटर, यू शुड लर्न कंप्यूटर, बोलो जी यू शुड लर्न कंप्यूटर, यू शुड लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर, क्या यानी एक्स वाई जेड जो भी काम करना चाहिए ना बोल देंगे यू शुड एक्शन, क्या यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन, क्या यू शुड एक्शन, यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम, बोल लेंगे आई विल स्पीक, आई विल स्पीक, नाउ इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो जी, आई विल स्पीक इंग्लिश, किसी को भी आप सलाह दे सकते हैं सामने वाले को भी ये काम तुम्हें करना चाहिए तो यू शुड एक्शन, क्या यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन, क्या यू शुड एक्शन, हम मान लेगा भाई जो काम सही है उसके लिए तो आप कह रहे हैं भी ये करना चाहिए,
बट मानेगा जो काम गलत है तो उसको मना भी कर सकते हैं, मना करना है नहीं बोलना है तो कोई नई बात नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। क्या होती है? नॉट। तो करना क्या है आपको ना, सुड के बाद ना नॉट लगा देना है। गॉट इट? यस आई डिड। गॉट इट? यस आई डिड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। आप किसी को कहना है कि ये काम तुमको नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन। क्या? यू शुड नॉट एक्शन। यू शुड नॉट एक्शन। बोलो, यू शुड नॉट एक्शन। कोई लेट आए तुरंत पकड़ लेना, पे लेट नहीं आना चाहिए। क्या? यू शुड नॉट है, यू शुड नॉट कम ऑन टाइम, यू शुड नॉट कम लेट, यू शुड नॉट कम लेट। क्या? यू शुड नॉट कम लेट। कैसे एडवाइजर हो तुम, मैं कैसे सलाहकार हूँ? यू शुड नॉट कम लेट, ऐसे ना कहो कम ऑन टाइम, ऐसे तुम टाइम पर आए थे लेट यार। अरे ऐसे ना भैया, जो कहना है कि भैया लेट ना आना चाहिए, यू शुड नॉट कम लेट। क्या? यू शुड नॉट कम लेट। बोलो, यू शुड नॉट कम लेट। ना करे हो, यू शुड नॉट कम लेट। यू शुड नॉट कम लेट। क्या? यू शुड नॉट कम लेट। कोई हिंदी बोलता मिल जाए बैच में तुरंत पकड़े, भाई हिंदी नहीं बोलनी चाहिए क्या? यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। बोलो, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। ना बोला कुछ, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। हिंदी? क्या? यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। गॉट इट? यस गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बोलेंगे आई विल स्पीक। क्या? आई विल स्पीक। क्या बोलोगे? हिंदी इंग्लिश? आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलो जी। आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा तो बेहद इजी है, बेहद आसान है, किसी को भी सलाह दे सकते हैं, ये करना चाहिए, ये करना मतलब नहीं चाहिए, करना चाहिए तो यू शुड एक्शन। क्या? यू शुड एक्शन। यू शुड एक्शन। नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन। यू शुड नॉट एक्शन। क्या? यू शुड नॉट एक्शन। इसके अलावा अब क्या है, मान लीजिएगा जो सलाह है ऐसा नहीं सामने वाले को देते ही देते हैं, कई बार हमको सलाह लेनी भी पड़ती है। अच्छा, किन केसेस में लेनी पड़ती है? जैसे मानेगा 10+2 कर लिया है, यानी इंटरमीडिएट क्लास कर लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारे सामने कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब अपने लिए एक सही रास्ता चुनना, सेलेक्ट करना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है उस समय कि क्या करें, बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, बीसीए करें। तो उस केस में क्या करते हैं, जो सीनियर्स हैं अपने बड़े हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं उनसे पूछते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो अपने लिए सलाह लेना है तो कुछ नया काम नहीं करना है, शुड को पहले ले आना है, और उसके बाद में अपने लिए सलाह लेंगे तो आए, और काम के लिए सलाह लेंगे तो काम की इंग्लिश, काम की इंग्लिश बेस्ट। तो अपने लिए सलाह लेना है कि भाई ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो शुड आई एक्शन। क्या? शुड आई एक्शन। क्या? शुड आई एक्शन। शुड आई एक्शन। क्या? शुड आई एक्शन। शुड आई एक्शन। क्या? शुड आई एक्शन। यदि मैं जाऊँ, शुड आई गो। शुड आई गो। क्या? शुड आई गो। एक चीज का ध्यान रखना, झाझा है ना हिंदी में उ भावा लगाना है, शुड के भी मैं जाऊँ, Should I go? Should I go? क्या? Should I go? अरे मैं जाऊँ? Should I go? आ जाऊँ? Should I come? Should I come? क्या? Should I come? मैं खा लूँ? Should I take? मैं पी लूँ? Should I take? Should I take? क्या? Should I take? हैं? Should I take? तभी मैं BA कर लूँ? Should I do BA? Should I do? BA. B.Tech कर लूँ? Should I do B.Tech? Should I do? B.Tech. B.Tech. क्या? Should I do B.Tech? अभी BCA कर लूँ? Should I do BCA? हैं? Should I do BCA? यानी जो भी चीज जरूरी है ना, इट इज मस्ट। क्या? इट इज मस्ट। कंप्यूटर जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश इज मस्ट। बोलो जी, इंग्लिश मस्ट। यस गॉट इट। नो प्रॉब्लम। बोलेंगे आई विल स्पीक, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। बोलो कुछ, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। बोल कुछ, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा जो है क्या है, किसी तीसरे को भी सलाह दे सकते हैं, किसी तीसरे को कहना भाई उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो भी उसको करना चाहिए, तो ही शुड एक्शन। क्या? ही शुड एक्शन। ही शुड एक्शन। क्या? ही शुड एक्शन। क्योंकि उसको डेली आना चाहिए, ही शुड कम डेली। अरे बोल लो भाई, ही शुड कम डेली। ही शुड कम डेली।
क्या? यीशु का मेले। सब मेहनत करनी चाहिए। यीशु का हार्ट। सब मेहनत करनी चाहिए। यीशु का हार्ट। यीशु डे। हार्ट। हार्ट बोलो। यीशु का हार्ट। यीशु डे। हार्ट। हार्ट। मैं यार ये बात। यीशु का हार्ट। हार्ट इट। यस हार्ट इट। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ओके डैड पाद को जल्दी से। आई एम रेडी। चले तो आई रिटेन। आई रिटेन। आई हैव रिटेन। बोलो जी। आई रिटेन। काम करो जरा आप कन्वर्सेशन लिखो। लिखिएगा डू यू राइड द बाइक। तो भैया बाइक चलाते हो। डू यू राइड द बाइक। डू यू राइड द बाइक। तो जवाब में लिखना है यस आई राइड द बाइक। यस आई राइड द बाइक। इसी के नीचे लिखना है डू यू वियर हेलमेट। हेलमेट पहनते हो। डू यू वियर हेलमेट। तो भैया हेलमेट पहनते हो। डू यू वियर हेलमेट। डू यू वियर हेलमेट। तो जवाब में लिखना है No, I do not wear helmet. No, I do not wear helmet. No, I do not wear helmet. इसी को नीचे लिखना है Can you wear helmet? पहन सकते हो helmet? Can you wear helmet? क्या पहन सकते हो helmet भाई? Can you wear helmet? Can you wear helmet? तो जवाब में लिखना है Yes, I can wear. Yes, I can wear. Yes, I can wear. Yes, I can wear. इसी के नीचे लिखना है तो हाँ तो सलाह भी दे सकते हैं कि भैया पहनना भी चाहिए। Should wear. You should wear helmet, भैया पहनना भी चाहिए। You should wear helmet, पहनना भी चाहिए। You should wear helmet, पहनना भी चाहिए। You should wear helmet. दो लाइन छोड़ करके नेक्स्ट कन्वर्सेशन लिखिएगा। लिखिए डैड जी कम लेट। क्या ये देर से आता है? डज ही कम लेट। डज ही कम लेट। डज ही कम लेट। तो जवाब में लिखना है यस ही कम्स लेट। यस ही कम्स लेट। यस ही कम्स लेट। लेट। इसी के नीचे लिखना है कैन ही कम ऑन टाइम। टाइम पे आ सकता है ये। कैन ही कम ऑन टाइम। कैन ही कम ऑन टाइम। कैन ही कम ऑन टाइम। तो जवाब लिखना है यस ही कैन कम ऑन टाइम। हाँ आ सकता है टाइम पे। यस ही कैन कम ऑन टाइम। तो इसके नीचे सलाह भी दे सकते हैं तो भाई ही शुड कम ऑन टाइम। टाइम पे आना चाहिए। He should come on time. Time पे आना चाहिए। He should come on time. कुछ एक्शन लिख रहा हूँ जिनपे आपको कन्वर्सेशन करके देख लेना है। प्लस बना करके देख लेना। लिखिएगा स्क्रैच वुंड। पोक द नोज।
चू पान मसाला अबाइड बाय रूल्स ब्रेक द लॉ लेबर हार्ड Skip 5 feet Rescue it has been written. चले तो have written I have written. अच्छा इनका हिंदी मतलब भी लिख लो तो चलो scratch था उन घाव पर इतना स्क्रैच दा वुंड घाव को रेदना एंड स्क्रैच वुंड घाव को रेदना नेक्स्ट वन है पोक द नोज टांग लाना पोक द नोज टांग लाना टांग लाने का ऐसे नहीं है मतलब किसी का ध्यान खींचने के तरीके से ठीक है ऐसे नहीं कि टांग अपना आया कि ऐसा उड़ा दिया ऐसा नहीं मतलब अपना बीच में इंटरप्शन करना आ गया है च्यू पान मसाला चबाना च्यू पान मसाला चबाना नेक्स्ट वन है अवॉइड बाय रूल्स नियमों का पालन करना अवॉइड बाय रूल्स नियमों का पालन करना नेक्स्ट वन है ब्रेक द लॉ कानून तोड़ना ब्रेक द लॉ कानून तोड़ना नेक्स्ट वन है लेबर हार्ड मेहनत करना लेबर हार्ड मेहनत करना नेक्स्ट वन है स्किप 5 feet ये एस नहीं है भैया फाइव है फाइव यानी 5 feet उछलना 5 feet उछलना रेस्क्यू बचाना यस रेस्क्यू बचाना यस क्या हुआ बढ़ाया कोई रेस्क्यू बचाना चले तो हैव रिटेन आई हैव क्या तो ठीक है इट्स ऑल फॉर टुडे और तुम्हारे जो संडे और संडे इज फंडे तो ठीक है संडे इज फंडे तो भाई संडे मजे का दिन होता है हम तुम्हारो कल मजे करने हैं सो मीट और मंडे मंडे मिलेंगे तब तक के लिए हमारे साइड नाइस वीडियो